बाबूशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। गजा में इमदाद की इजाज़त देने के लिए इंसानी बुनियादों पर वक्फे की हिमायत करते हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि हमारी तरजीह मासूम शहरियों का मुसलसल तहफ्फुज़ होना चाहिए। 30 से ज़ायद लिबरल और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का हुकूमत से जंग बंदी की वकालत करने का मुतालबा। नाम का हिस्सा मोहम्मद होने पर बरतानवी रुकन पार्लियामेंट को परवास में सवार होने से रोक दिया गया। एयर कैनेडा के वाक़े पर माफ़ी मांग ली। एयर कैनेडा का कहना है कि हम इस खास मामले से निमटने के लिए अंदरूनी तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुतहदा अरब अमारात के सदर और कैनेडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली की मुलाकात। अमाराती सदर और कैनेडा की वजीर खारजा का गजा में शहरियों के तहफ्फुज की ज़रूरत पर तबादला ख्याल। इंसानी हमदर्दी के रद्द अमल को तकवीत देने की अहमियत का भी अदा किया। चीन में वजीर खारजा के बाद वजीर दिफा को भी अहदे से हटा दिया गया। दोनों चीनी सदर के काफ़ी करीबी और बाएतमाद साथी थे। चीन के रियासती नशरियाती इदारे ने दोनों वज़रा की बरतरफी की कोई वजह नहीं बताई। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canadian Wazir Azam Justin Trudeau ne kaha hai ki Canada Israel Hamas jang mein insani buniyadon par tawqif ke khayal ki himayat karta hai, ताकि गजा में फलस्तीनी शहरियों तक इमदाद पहुंच सके। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडा इसराइल हमास जंग में इंसानी बुनियादों पर तौकफ के ख्याल की हिमायत करता है, ताकि गजा में फलस्तीनी शहरियों तक इमदाद पहुंच सके। उन्होंने सहाफियों को बताया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे की ज़रूरत के बारे में अब बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और मुझे लगता है कि कैनेडा उसकी हिमायत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि ओटावा की तर्जी मासूम शहरियों की हिफाजत और यरगमालियों की रिहाई थी। ट्रूडो ने कहा कि इस दौरान हमारी तर्जी मासूम शहरियों का मुसलसल तहफ्फुज होना चाहिए, इसीलिए हम अपने इत्तेहादियों के साथ करीबी रबते में हैं। इंसानी हमदर्दी की राहदारियों की तामीर की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी हमदर्दी के वक्फों की ज़रूरत के बारे में अब बहुत सी बातचीत हो रही है और मुझे लगता है कि यह ऐसी चीज़ है जिसकी कैनेडा बिल्कुल हिमायत कर सकता है। ट्रूडो के तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब रियासत हाय मुतहदा और दीगर आलमी ताकतें एक संगीन इंसानी बहरान को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए महसूर गजा की पट्टी में इमदाद का बहाव जारी रखने का मुतालबा कर रही हैं। दूसरी जानब ट्रूडो को अपने ही काकस के कुछ अरकान की तरफ से मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा करने के लिए दबाव का सामना है। 30 से ज्याद MPs, जिनमें से ज्यादातर लिबरल हैं, ने गुज़िश्ता हफ्ते ट्रूडो को एक खत लिखा जिसमें उनसे इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की वकालत करने का मुतालबा किया गया। एयर कैनेडा का कहना है कि उसने एक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट से माफ़ी मांगी है, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते पार्लिमानी कमेटी के साथ कैनेडा आने और जाने के दौरान इजाफी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ा था। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एयर कैनेडा का कहना है कि उसने एक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट से माफ़ी मांगी है, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते पार्लिमानी कमेटी के साथ कैनेडा आने और जाने के दौरान इजाफी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ा था। नाम का हिस्सा मोहम्मद होने पर बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयर कैनेडा ने कहा कि उसे इस वाक़े की वजह से होने वाली तकलीफ या परेशानी पर अफसोस है और वो यासीन से माफ़ी मांगते हैं। हम इस खास मामले से निमटने के लिए अंदरूनी तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि तरीक़ाकार की दुरुस्त तरीके से पैरवी की गई है
और हम मुतालिका हुकाम के साथ भी रابطے में हैं। कंपनी ने इसकी वजाहत नहीं की कि मुतालिका हुकाम कौन थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते बेडफोर्ड से रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन एमपी को लंदन के हीथ्रू एयरपोर्ट पर कनाडा की परवाज में सवार होने से रोका गया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि मोहम्मद यासीन को काफ़ी देर तक रोक कर सवाल के बाद जाने दिया गया। उन्हें कॉमंस के साथ कनाडा जाना था। मोहम्मद यासीन एमपी को कनाडा से वापसी पर भी इजाफी सवाल भुगतना पड़े। उनको बताया गया कि उनका नाम मोहम्मद होने के सबब उन्हें रोका गया। लेबर कमेटी के सरबरा क्लाइव बिट्स ने पार्लियामेंट में बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाला वाकया नाकाबिल कबूल है। वाकया इस्लामोफोबिया होने के सबब बरतानिया में कनाडा के हाई कमीशन को तहरीरी आगाह किया जाएगा। क्लाइव बिट्स के मुताबिक मोहम्मद यासीन से पूछा गया कि वो कहाँ पैदा हुए, चाकू या कोई दूसरा हथियार तो साथ नहीं ले जा रहे। अलबत्ता वाकये के बाद मोहम्मद यासीन को कैनेडियन इमिग्रेशन के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और एयर कैनेडा की जानिब से मौजरत मौसूल हुई है। बरतानिया के डिप्टी स्पीकर रॉजर गेल का कहना है कि पार्लिमानी काम के लिए सरकारी दौरे में इस वाक़े का पेश आना नाकाबिल कबूल है। मुतहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और कैनेडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने अबू जहबी में मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुतहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और कैनेडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने अबू जहबी में मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के कई इलाकाई और बैनुल अक्वामी उमूर, खास तौर पर मशरिक वस्ती में होने वाली पेशरफ्त और गजा की पट्टी में शहरियों के तहफ्फुज़ की फौरी जरूरत पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी पेशरफ्त, बिलखसूस गजा की पट्टी में फलस्तीनी शहरियों के तहफ्फुज़ की फौरी ज़रूरत के बारे में भी बात की। उन्होंने वहाँ की बिगड़ती हुई सूरत हाल के दरमियान इंसानी हमदर्दी के रद्द अमल को तकवीत देने की अहमियत का भी अदा किया। मुलाकात में बिगड़ती सूरत हाल और इलाकाई और आलमी सलामती, इस्तेहकाम और अमन को खतरे से दो चार करने वाली ताज़ा तरीन मौजूदा सूरत हाल में इंसानी हमदर्दी की कोशिशों को बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। अमारती वजीर दाखिला शेख सैफ बिन जैद अल नहयान, वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान और दीगर हुकाम और मदु मेहमान भी मुलाकात में मौजूद थे। चीन में माली और इखलाकी जराइम के इल्जाम पर वजीर दिफा ली शोंगखो को अहदे से बरतरफ कर दिया, जबकि साबिक वजीर खारजा कुन गैंग को भी काबीना से सुबुकदोश कर दिया गया। मजीद अहवाले रिपोर्ट में। चीन में माली और इखलाकी जराइम के इल्जाम पर वजीर दिफा ली शोंगखो को अहदे से बरतरफ कर दिया, जबकि साबिक वजीर खारजा कुन गैंग को काबीना से भी सुबुकदोश कर दिया गया। वजीर दिफा ली शोंगखो ने बतौर वजीर दिफा आखिरी बार अगस्त में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूस का सफर किया था और उनकी बेलारूस के सदर के साथ तस्वीर भी सामने आई थी। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक वजीर दिफा ली शोंगखो और वजीर खारजा जिन गैंग को खुद सदर शी जिनपिंग ने उन अहदों के लिए मंतखब किया था और ये दोनों सदर के काफी करीबी और बाएतमाद साथी भी थे। वजीर दिफा ली शोंगखो ने बतौर वजीर दिफा आखिरी बार अगस्त में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूस का सफर किया था। इसके बाद से ली शोंगखो मंजर आम से गायब थे और कयास आरइयां की जा रही थी कि उनको तफ्तीश के लिए तहवील में लिया गया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से हमेशा तरदीद की गई थी। ताहम अब रियासती नशरियाती इदारे ने तस्दीक की है कि वजीर दिफा ली शोंगखो को अहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह नई तकर्री जल्द ही की जाएगी। दूसरी जानिब साबिक वजीर खारजा कुन गैंग को काबीना से भी हटा दिया गया। उन्हें जुलाई में बगैर किसी वजाहत के वजारत से हटा दिया गया था, जबकि वो रवां साल के आगाज से ही मंजर आम से गायब थे। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि कुन गैंग ने अमरीका में एक सहाफ़ी जो कि अमरीकी एजेंट थी से जिनसी ताल्लुकात इस्तेमाल किए थे। अमरीकी एजेंट मुमकिन तौर पर कौमी रास अगलवाना चाहती थी। चीन के रियासती नशरियाती इदारे ने दोनों वज़रा की बरतरफी की कोई वजह ना बताई। याद रहे कि सदर शी जिनपिंग मार्च में मुसलसल तीसरी बार सदर बनने के बाद मुल्क में मौज़े तंग के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत बन गए हैं, लेकिन उनके दो बाएतमाद वज़रा की बरतरफी ने काबीना में गैर यकीनी सूरत हाल की निशानदेही की है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।